हे प्रभु, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है? जब तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब तो कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 1 अगस्त यानी कि आज का राशिफल के इस एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 1 अगस्त 2020 को शनिवार है। संवत 2077 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज तिथि त्रयोदशी है, रात को 9:54 तक। आज नक्षत्र मूला नक्षत्र है, 6:47 प्रातः तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, वैद्यरति योग है, कौलव करण है। अब बात करते हैं राहुकाल की। आज प्रातः 9:30 तक राहुकाल रहेगा। अब बात करते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। प्रातः 7:37 से 9:07 तक और फिर वापस दोपहर में 1:37 से 3:07 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज के दिन पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है, सफलता मिलेगी। वहीं आज के दिन अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ही पूर्व दिशा में यात्रा करनी चाहिए और वो भी दिशा शुल्क का परिहार करके, अर्थात उड़द का कोई भी व्यंजन खा करके, उड़द की दाल साथ में लेकर के, इससे दिशा शुल्क का परिहार होगा। आइए अब बात करें शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में षष्ठ महापुरुष योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राज योग और हर्ष योग का साथ मिलेगा। आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां हैं वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। अब बात करते हैं 3 राशियों की जिन्हें आज के दिन सावधान रहना चाहिए। वे राशि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आइए अब बात करें दैनिक राशिफल की 1 अगस्त 2020 के राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। आज धनु राशि में चंद्रमा विराजमान है, अर्थात आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ आपको मिला हुआ है जो सपोर्टिव नहीं है। अष्टक वर्ग में 38 डॉट हैं जो पर्याप्त से जस्ट डबल हैं। ऐसी स्थिति में ये स्थिति भी बहुत ज़्यादा शुभ है, तो 100 में से 67% ये चंद्रमा आपके लिए शुभ बना हुआ है। राशि से 9th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है तब व्यक्ति को रोग परेशान करते हैं, लेकिन आज के दिन चंद्रमा स्ट्रांग होने से आपको रोग ज़्यादा पीड़ित नहीं कर पाएंगे, प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। संतान के साथ में कोई बातचीत हो सकती है और उसका रिजल्ट बहुत सही निकल सकता है, या उनके अंदर की जो कुंठा है या भावना है वो आपको पता चल सकती है। व्यवसाय में आज के दिन जहाँ तक हो सके बहुत बड़ी डील से बचना चाहिए, या कोई बहुत बड़े एग्रीमेंट से, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बहुत सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का चंद्रमा 2 तारीख की दोपहर को 1 बजे से ही चंद्रमा बदल जाएगा, अर्थात आपकी राशि से 10th हाउस में आ जाएगा। वहाँ से 4 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी डील के लिए। आज के दिन अनचाहे खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको इनको धार्मिक क्रियाकलाप में या तीर्थ स्थान पर जाकर के कोई दान धर्म करें, वहाँ पर खर्च हो सकता है, वो खर्च को लेकर के कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है 2। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है जो कतई शुभ नहीं है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ आपको मिला हुआ है, ये सपोर्टिव है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट है, ये पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपको सपोर्ट कर रहा था, नेगेटिविटी में से बचाएगा। राशि से 8 चंद्रमा जब भी होता है व्यक्ति रोग से परेशान होता है, स्पेशली जो लोग वृद्ध हैं वो लोग परेशान होंगे, और वृष राशि का मतलब महिलाएं भी है। ऐसी स्थिति में वो महिलाएं जो डाइजेशन सिस्टम से प्रॉब्लम में है, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो इस समय काल में ज़्यादा परेशान हो सकती है हेल्थ के कारणों से, चाहे वो पेट से संबंधित हो सकते हैं और या फिर वायु विकार से संबंधित परेशानियां हो सकती है, उससे जरूर आपको सावधान रहना है। आज के दिन पारिवारिक जो कलह होता है उससे, या क्लेश से, अपने जीवन साथी से, ससुराल वालों से जहाँ तक हो सके आर्ग्यूमेंट करने से, हॉट टॉपिक पर बात करने से बचने की आवश्यकता है। राशि से 8वां चंद्रमा आपको व्यर्थ के विवादों में खींच सकता है और उससे आप सिर्फ और सिर्फ मेंटली हैरेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे,
और कोई न कोई आकस्मिक अनहोनी का आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए भी बचने की आवश्यकता है। अगर आज के दिन बाहर जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, तो अपना व्हीकल बहुत अच्छे ढंग से चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि यात्रा में या तो आपका वाहन खराब होगा और यात्रा में फिर छोटी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है, और नक्षत्र सिद्धांत भी आज के दिन इसी चीज को अप्रूव कर रहा है। अधिमित्र तारा का साथ आपको मिलेगा। अष्टवर्ग में सिर्फ 19 डॉट है, जो पर्याप्त ही है। ऐसी स्थिति में 100 में से 67% ये आपको सपोर्टिव रहेगा। तो राशि से सप्तम चंद्रमा आपको व्यापार में, आपके कामकाज में या लेन देन के कामों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपको एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी आकांक्षा है, कामना है, वो आपकी लेन देन के कामों से पूरी होगी। रिसोर्सेज कोई डेवलप हो सकते हैं, फायदा हो सकता है, या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, आप ये मान सकते हैं। सब मिला करके आपको प्रसन्नता रहेगी, अचीवमेंट रहेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, साथ ही साथ अच्छा खाना पीना आपको मिलेगा और आपको गृह सुख, दाम्पत्य सुख भी भरपूर मिलेगा। आज के दिन परिवार वालों का साथ, स्नेह और साथ ही साथ अच्छा वाहन सुख ये आपको मिलेगा। आज के दिन कोई अच्छी मूवी देखने को मिल सकती है, कोई अच्छी पुस्तक आपको पढ़ने को मिल सकती है, या कोई फ्रेंड के द्वारा आप कोई साहित्य मांग सकते हैं, जिससे आपकी ज्ञान में, जिससे आपकी प्लानिंग में, जिससे आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ न कुछ साथ मिलेगा, कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा, अर्थात आप अपने आप को उससे प्रेरणा पाएंगे। सम्मान और प्रतिष्ठा आज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि आज के दिन आपके घर में वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, और आप उस वातावरण का एंजॉय उठाएंगे या वातावरण का फायदा उठाएंगे। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है, यह चंद्रमा शुभ माना गया है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार शेम तारा का साथ आपको मिला हुआ है, वो भी शुभ है। अष्टवर्ग में 24 डॉट है, पर्याप्त से ज्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% यह चंद्रमा आपको सपोर्ट करता है। राशि से 6th चंद्रमा रोग मुक्ति के लिए, शत्रुनाश के लिए, कोई न कोई नेगेटिव जो भी काम है उन पर हावी होने के लिए, या कोई भी जो कंप्लेंट है उसका आपको वापस रेस्पॉन्ड करने के लिए, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए अपीयर होने के लिए ये समय काल शुभ है। यहाँ पर कोई भी अप्रोच की जाए, कोई भी इन्वेस्टमेंट किए जाए, कोई भी डील की जाए तो गेन होता है। इस समय काल में भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ आपके स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगी, आपको पारिवारिक जीवन में खुशहाली मिलेगी, और साथ ही साथ आय और धन और संपत्ति में। आय का मतलब है जो भी आप दैनिक आमदनी करते हैं उसकी बात कर सकते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट में आप गेन करते हैं उससे कैपिटल में इंप्रूवमेंट हो सकता है, गेन में वृद्धि हो सकती है, ये सुख आज आपको मिलेगा। आज के दिन जो भी युवा वर्ग है उनको, जो अपोजिट जेंडर है उनके साथ दोस्ती या उनके साथ में घूमने फिरने से आपको खुशी के पल या आनंद के पलों का एहसास होगा, आज के दिन भावुकता में वृद्धि होगी। आज का लकी कलर है आइवरी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से पंचम भाव में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है, यह चंद्रमा इन्वेस्टमेंट के लिए या पर्सनल रीजन से यह चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार भी विपत्ति तारा का साथ आपको मिला हुआ है, विपत्त का मतलब है विपत्ति आना या नेगेटिव टाइम। अष्टवर्ग में 25 डॉट है, ऐसी स्थिति में 100 में से सिर्फ 33% ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है, चंद्रमा आपको सपोर्ट कर रहा है, 67% आपको फेस करना पड़ेगा। तो राशि से पांचवें भाव में जब भी चंद्रमा होता है व्यक्ति अशांत होता है, उसको चिंताएं घेरती है, साथ ही साथ जो वो इन्वेस्टमेंट करता है या लेन देन करता है, कोई भी डीलिंग करता है उसमें उसे फाइनेंशियल गेन नहीं होता, या तो पैसा फंस जाता है और या फिर वो डील करके पछताता है, अर्थात या मैंने ये छोड़ दिया होता, ये डील छोड़ दी होती, नहीं की होती, आज मैंने संपर्क नहीं किया होता तो मेरे लिए अच्छा होता, जो हो चुका होता है उसका पश्चाताप होने लगता है। राशि से पांचवा भाव पेट का भी है, ऐसी स्थिति में यहाँ चंद्रमा आपको वायु विकार से संबंधित, या ये बोल सकते हैं पसलियों के दर्द से संबंधित, छाती में कोई न कोई प्रेशर से संबंधित तकलीफ दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
राशि से फिफ्थ चंद्रमा ऑब्स्टिकल्स के लिए जाना जाता है, हर कार्य में विघ्न के लिए जाना जाता है, कोई भी काम समय पर नहीं होगा, वो लंबा खींच करके होगा। आज के दिन यदि कोई यात्रा करनी पड़े तो उस यात्रा को टालना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में पंचांग में भी बोला है कि आज के दिन पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो उस यात्रा को टालना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में, स्पेकुलेशन में, जुए में, सट्टे में आज के दिन कोई गेन होने वाला नहीं है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा और जहाँ तक हो अपने हाथ पांव उस स्थिति से बचा करके रखिएगा। राशि से पांचवा भाव बुरी आसक्ति से मोह जाल में या कहीं न कहीं व्यक्ति ट्रैप हो सकता है, जानबूझ करके उसे फंसाया जा सकता है, उसके चरित्र पर दाग लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो भी रिलेशनशिप में, जो भी प्रेम प्रसंगों में, उन व्यक्तियों को सलाह दे रहा हूँ कि बहुत सावधान रहें, जहाँ तक हो मिलने से बचें। आज का लकी कलर है पर्पल कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से फोर्थ हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा व्यक्ति को हताशा, निराशा और एक प्रकार से कलह और क्लेश देने का कारण माना जाता है। नक्षत्र तारा आज के दिन अधिमित्र तारा का है, वो शुभ है। अष्टवर्ग में 28 डॉट है, ये आपके लिए स्ट्रेंथ वाली स्थिति है। ऐसी स्थिति में 67% आप इस नेगेटिव चंद्रमा से बचने में सफल हो जाएंगे, ठीक। लेकिन 33% जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा कि आपको पारिवारिक कलह मिल सकता है, अशांति मिल सकती है, आपको माताजी की चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं, या फिर माताजी से किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आप उनसे असहमत हो सकते हैं। जो भी घर के बुजुर्ग हैं या समाज के गणमान्य लोग हैं उनसे आज के दिन कोई ना कोई वैचारिक मतभेद उभर करके आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ तक हो सके कोई ना कोई समाज की जो मीटिंग होती है या एक साथ में इकट्ठे होकर के मिलते हैं, वहाँ पर अपने आप को आज आपने पीछे रखना है, मौन व्रत धारण करके रखना है, क्योंकि बार बार यदि आप ही हाइपर होकर के कुछ बोलेंगे तो आपकी इमेज खराब होगी। राशि से फोर्थ चंद्रमा कोई अनहोनी से व्यक्ति भयभीत होने का भी एक रीजन होता है। जहाँ तक वो घर में कोई भी बात का बतंगड़ होने का मौका मत दीजिए, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अंतरंग संबंधों में, उनको आज के दिन बहुत सावधान रहना चाहिए। अपना अधिकार जमाने की, अपनी मनमानी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा संदेह पनप जाएगा। जो लोग लापरवाह हैं, जो लोग अपनी अंगूठी, चेन, अपना पर्स, मोबाइल या अपना जो वैल्यूबल थिंग्स है वो कहीं पर भी रख देते हैं, उनको आज के दिन सावधान कर रहा हूँ। हो सकता है आपका कोई सामान चोरी हो सकता है, कोई लेकर के जा सकता है, उसके बाद में सिर्फ आप सोचते ही रह जाएंगे कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि राशि से फोर्थ चंद्रमा व्यक्ति को नुकसान कराने के लिए, सामान का चोरी करवाने के लिए प्रसिद्ध है। आज का लकी कलर है ग्रे कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है, और यह भी नक्षत्र सिद्धांत भी आज के दिन संपत्ति तारा का सहयोग दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है। संपत्ति का अर्थ है संपत्ति, या ये बोल सकते हैं गेन। अष्टवर्ग में 40 डॉट है, पर्याप्त से जस्ट डबल, ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। 100 में से 100% ये सिचुएशन आपके लिए गेन वाली है। तो ऐसी स्थिति में धन, संपत्ति, ऑर्नामेंट्स या शॉपिंग, इस पर पैसे खर्च हो सकते हैं। जो भी शत्रु है, जो भी विरोधी है, उन पर जो भी एक्शन लेंगे उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन आप में धैर्य की अधिकता देखने को मिलेगी और अंदर से आप में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, साथ ही सम्मान की स्थिति, या ये बोल सकते हैं पद और प्रतिष्ठा की स्थिति आपके साथ में होगी, और आज के दिन जिससे भी मिलेंगे वो आपके सर्कल में इन्वॉल्व हो जाएगा, अर्थात आपका सर्कल आज के दिन बड़ा होने वाला है। जो युवा है उनको आज के दिन आकर्षण में दोस्ती हो सकती है, और आज के दिन संतान पर पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर संतान के साथ में बहुत ज़्यादा लगाव या खुशी हो सकती है। मान लीजिए ये भी हो सकता है कि संतान जो दूर रहती है वो इस राखी के अवसर पर आपके घर पर आ जाए, या आप एक साथ में इकट्ठे हो जाएं, वो स्थिति आ सकती है। इससे भी आपकी खुशी और ज़्यादा बढ़ सकती है, खुशी दोगुनी हो सकती है। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, धन और संपत्ति स्थान में चंद्रमा विराजमान है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ आपको मिला हुआ है। प्रत्यारी का अर्थ है ऑब्स्टिकल्स देना, नेगेटिविटी। अष्टवर्ग में 29 डॉट है, ये जरूर पर्याप्त से ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा नेगेटिव बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो राशि से सेकंड हाउस में जब भी चंद्रमा हो व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना चाहिए,
ऐसे समय में व्यक्ति को धन की या मान सम्मान की हानि हो सकती है। जो भी नए प्रयास करता है, नए काम करता है, उसमें जहाँ तक वो मामला बार बार अटक जाता है, वहाँ पर गेन की जगह बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होने लगता है, उस काम में और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। अनचाहे खर्चे व्यक्ति को परेशान करते हैं, साथ ही साथ वो बच्चों से या जीवन साथी से भी किसी न किसी बात पर मतभेद उजागर कर बैठता है, या उनसे वो सुखी नहीं रहता है, उनसे प्रसन्न नहीं रहता है। आज के दिन राशि से सेकंड हाउस में चंद्रमा आपको पाप प्रवृत्ति में धकेल सकता है। व्यक्ति गलत कार्यों से, गलत ढंग से, लालच के वशीभूत होकर के बहुत फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है, पैसा कमाने के लिए कोई भी इल्लीगल तरीका अख्तियार कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए भारी ही पड़ेगा, नेगेटिव ही होगा। जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा आपके ऊपर भी कोई न कोई लांछन लग सकते हैं या बहुत बड़ा लॉस आपका हो सकता है। जो स्टूडेंट सारे दिन लैपटॉप लेकर के इधर इधर घूमते रहते हैं, तो बहुत बार ये होता है कि सिग्नल पे छोटे छोटे बच्चे आकर के एक सेकंड में आपके लैपटॉप बैग की चैन खींच करके लैपटॉप लेकर के चले जाते हैं। जब तक आप वापस मुड़ करके उनको ट्रेस करेंगे, जब तक वो गलियों में गायब हो जाते हैं। बहुत बार मैंने वो वीडियो देखे। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट को भी मैं अवेयर कर रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से आप उसको बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सावधान रहें। अतः लैपटॉप बैग को आगे की ओर रखें, जो कि बैग को पीछे की ओर लटकाते हैं, शोल्डर बैग होता है, उसे जस्ट अपोजिट कर दें, आगे की तरफ ले आएं, तो भी आप बच पाएंगे। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ बोला गया है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत आज के दिन अलग कहानी बोल रहे हैं। आज के दिन वध तारा का आपको साथ मिल रहा है। वध का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। अष्टवर्ग में 23 डॉट है, ये जरूर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके पक्ष में, 33% सिचुएशन नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार नेगेटिव है। तो राशि से जब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है, तब व्यक्ति को इनकम होती है, फाइनेंशियल गेन होता है। जो लोग भी समाज सेवा के कार्य में हैं, NGOs चलाते हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, ऐसे लोगों को इस समय काल में बहुत अच्छे संयोग उपस्थित होते हैं, अर्थात उनके जान पहचान में वृद्धि होती है, उनके सर्कल में इंप्रूवमेंट होती है, उन्हें मान सम्मान मिलता है, या ये बोल सकते हैं पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप जनता में जाते हैं, तब आपकी जानकारी में आपकी समस्याओं की जानकारी मिलने लगती है, वो भी आपके कैरियर का हिस्सा है। आज के दिन जो भी जन व्यवहार करें, जो भी मीटिंग करें, उनमें सफलता मिलेगी। संपत्ति का या वाहन सुख का आज के दिन फायदा मिल सकता है। जो भी यात्रा करेंगे, वो यात्रा आज के दिन अच्छी हो सकती है। सांसारिक सुख सुविधाएं, या ये बोल सकते हैं दाम्पत्य सुख और गृह सुख आज के दिन पूरा मिल सकता है, भरपूर मिल सकता है। कहीं कोई पारिवारिक विवाद या पारिवारिक जो कलह क्लेश होता है, उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में नाश भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा कभी शुभ नहीं होता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ आपको मिला हुआ है, ये सपोर्ट कर रहा है। अष्टवर्ग में 24 डॉट है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राशि से 12 चंद्रमा होते हुए भी 33% ही आपको दुख दे सकता है, परेशान कर सकता है। लेकिन वो दुख क्या दे सकता है? मानसिक परेशानी दे सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करवा सकता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें लॉस हो सकता है, अपने संबंधियों से, परिवार के लोगों से या भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पेशली जो बड़े भाई बहन हैं उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या वैचारिक मतभेद हो सकता है, कुछ कहा से नहीं हो सकती है, जो आपको नहीं पसंद है वो आप भड़ास निकाल सकते हैं। राशि से 12 चंद्रमा व्यक्ति को क्रोधित और व्यक्ति को ईर्ष्या में रखता है, साथ ही साथ वो व्यक्ति जो कुछ उसके साथ में हो चुका है, वो सोच सोच कर ही दुखी होता है या अपमान की आग में जलता रहता है। राशि से 12 चंद्रमा व्यक्ति को चोटिल कर सकता है, दुर्घटना से सामना करवा सकता है। हेल्थ में आज के दिन कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और जो ऑलरेडी जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए हेल्थ के कारणों से, क्योंकि 12 चंद्रमा का मतलब ही दुख है, और ये बोल सकते हैं पीड़ा में वृद्धि है, वो स्थिति का सामना आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं, उनको आज के दिन जहाँ तक संभव हो यात्रा को टालना चाहिए, क्योंकि आज की यात्रा जो करेंगे वो यात्रा न तो फायदा दे पाएगी, न उस यात्रा का उद्देश्य पूरा होगा, उल्टा आपको असुविधा या यात्रा में कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आज का लकी कलर है पर्पल कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9।
आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है। 11th हाउस का मतलब ही गेन है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा भी गेन ही देगा। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ आपको मिला हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। अष्टावक में 26 डॉट है, पर्याप्त से ज्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में राशि से 11वां चंद्रमा 100 में से 100% आपको गेन देने वाला है, प्रॉफिट देने वाला है। और यों भी राशि से 11वां चंद्रमा जब होता है तो आय में वृद्धि होती है। जो भी आप कामकाज करते हैं, जो भी आपका रोजगार होता है, उसमें आपको प्रोग्रेस मिलती है। लिक्विड का काम करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा गेन होता है। जो भी अप्रोच करते हैं, जो भी एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सारे प्रयास सफल होते हैं। शत्रुओं के खिलाफ आपको कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने ही कारणों से समाप्त हो जाते हैं या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपको कहीं से पैसा लेना हो या कहीं से पैसा वसूल करना हो, किसी को उधार दिया हुआ पैसा हो, जिसे सामान्य भाषा में वसूली कहा जाता है, उसके लिए समय काल बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, अच्छा है। आज के दिन जो युवा वर्ग है, आकर्षण में या अपोजिट जेंडर से दोस्ती कर सकते हैं या उनके साथ में अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड कर सकते हैं, और या फिर आपके घर पे कोई न कोई मेहमान आ सकते हैं या पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। सब मिला करके ये जो दिन है वो आपका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रसन्नतामय ये दिन निकलने वाला है। आज का लकी कलर है व्हाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा हमेशा आपको कामकाज में या आपके कामों में सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है। नक्षत्र सिद्धांत इसकी जस्ट अपोजिट कहानी कह रहा है। आज के दिन वृद्ध तारा का साथ आपको मिला हुआ है, जो ऑब्स्टेकल्स देगा। अष्टावक में 25 डॉट है, ये आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में 100 में से 67% स्थिति आपके पक्ष में, 33% आपको वीकनेस देखनी पड़ेगी। तो राशि से 10 चंद्रमा जब भी होता है, व्यक्ति को इष्ट सिद्धि होती है, अर्थात जो वो काम सोचता है वो काम उसका सक्सेसफुल हो जाता है। जो पूजा पाठ के अंदर मांगलिक कार्यों में अच्छी अनुभूति चाहते हैं या ध्यान में आज के दिन बहुत ज़्यादा उन्नति चाहते हैं, उनको वो इष्ट सिद्धि मिल सकती है, अर्थात उनकी वो कामना पूरी हो सकती है। आज के दिन व्यापारिक लेन देन या फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, और साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन, आपका स्टेटस भी इम्प्रूव करेगा, अर्थात आपकी गिनती बड़े लोगों में गिनी जाएगी। लोक संबंध या ये बोल सकते हैं सामाजिक संबंध, जो भी राजनीति में है या जो सरकारी कार्यों में है, सरकारी योजनाओं में है या समाज सेवा में, उन लोगों के लिए ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा है। नई योजनाएं बन सकती है और वो योजनाएं भी कार्यान्वित हो सकती है, आगे बढ़ने लायक योजनाएं बनेगी। जो आप चाहते हैं, जो आप वस्तु चाहते हैं, जो आप डील चाहते हैं, जो आप एग्रीमेंट चाहते हैं, वो आज के दिन आपको हासिल हो सकता है। ऐसी स्थिति आज के दिन चंद्रमा की है, अर्थात आपके अधिकार आज के दिन बढ़ जाएंगे, सुखों में आपके वृद्धि होने वाली है। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें आज के विशेष उपाय की। रक्षाबंधन या फिर किसी भी सामान्य पर्व पर, सामान्य दिन पर, जब भी आपके हाथ में मौली या कलावा या नाड़ा छड़ी बांधते हैं, उसका क्या कारण है और उससे क्या फायदा मिलता है या उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आपने कई बार बड़े बड़े लोगों, राजनीतिज्ञों, व्यापारियों, एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को अपनी कलाई पर बहुत सारी मौली को बंधा हुआ देखा होगा, तब आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि ये लोग इतनी सारी मौली या इतना सारा कलावा क्यों बांध कर रखे हैं, इससे क्या होता होगा। आज आधुनिक फैशन के युग में भी ये लोग ऐसे रीति रिवाजों को क्यों मान रहे हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे की परंपरा या छुपे हुए कारण क्या है। मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मौली पंचरंगी अर्थात 5 रंग की होती है। इसमें लाल रंग, इस रंग से मंगल के मुंगा रत्न का लाभ मिलता है। इसमें पीला रंग, इस रंग से बृहस्पति के पुखराज रत्न का लाभ मिलता है। हरा रंग, इस रंग से बुध के पन्ना रत्न का लाभ मिलता है। अब बात करते हैं नीला रंग, इस रंग से शनि के नीलम रत्न का लाभ मिलता है। और सफेद रंग अर्थात इस रंग से शुक्र ग्रह के हीरे का लाभ मिलता है या फिर चंद्रमा ग्रह के मोती का लाभ मिलता है। एक और रंग का इसमें इस्तेमाल हो सकता है, वह है केसरिया रंग। अन्य रंग के उपरोक्त रंग मिला करके 9 ग्रहों को प्रसन्न करता है। यह सिर्फ एक जो हाथ में बांधा हुआ धागा है या फिर आप मौली बोल सकते हैं, कलावा बोल सकते हैं। मौली बांधने के 3 कारण है। सबसे पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है आपके स्वास्थ्य से संबंधित और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। हालांकि आज मौली या कलावा या
राखी के स्वरूप में फर्क है तो जानते हैं इसे बांधे जाने का कारण। मानव शरीर जड़ सिर है जिसमें सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का जाल है। इनका संधि स्थान हाथ की कलाई है। मौली को कलाई पर इसलिए बांधते हैं क्योंकि हाथ के मूल में तीन रेखाएं होती है। भाग्य रेखा, जीवन रेखा का उद्गम स्थल ही मणिबंध है। इन तीनों रेखाओं से दैहिक, दैविक और भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने और उनसे मुक्त करने की शक्ति निहित रहती है। उदाहरण के तौर पर रोगों में वात, पित्त और कफ रोगों पर नियंत्रण एवं रोगों से छुटकारा मिलता है। मौली के बांधने से सीधे आत्मा को नियंत्रित करने के सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मानव में संतुलित होते हैं। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती का भी यहां साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा के लिए पढ़ करके कलाई में बांधते हैं तो यह रक्षा सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोने का असर नहीं होता है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा और शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। तथा साथ ही तीन देवियां महाकाली की कृपा से शक्ति, महालक्ष्मी की कृपा से धन और मां सरस्वती की कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। इससे संकल्प होता है, मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। कमर पर बांधे गए धागे के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं इससे कोई आसुरी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों को अक्सर आपने कमर में लाल या काला धागा बांधे हुए देखा होगा। अब बात करते हैं सेहत के लिए। प्राचीन काल से कलाई, पैर, कमर और गले में भी मौली बांधे जाने की परंपरा के एक चिकित्सा में लाभ भी हैं ये माने गए। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले और पैर के अंगूठे में मौली बांध करके उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी होता था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः यहाँ मौली बांधने से व्यक्ति की ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुँचने वाली नसें आपकी कलाई से होकर के गुजरती है। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। अब बात करते हैं एक और लाभ की, वह है मनोवैज्ञानिक लाभ। मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच भी जाता है। आइए अब बात करते हैं मौली बांधे जाने के अन्य कारणों की। सबसे पहले इंद्र की पत्नी सची ने वृत्तासुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था, इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है उसकी कलाई पर कलावा, मौली या रक्षा सूत्र बांध करके उसकी पूजा की जाती है, विदा किया जाता है। असुरों के दानवीर राजा बलि ने दान देने से पूर्व यज्ञ में रक्षा सूत्र बांधा था और फिर जब दान में 3 पग भूमि दे दी थी तब प्रसन्न होकर के उनकी अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर उसे उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। अर्थात अगर किसी को वचन देना हो तो भी मौली बांध करके वचन दिया जाता है। इस मौली को रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना गया है। जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए बंधन बांधा था और अपने पति को अपने साथ में ले गई थी। मौली को मन्नत के लिए भी किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तब इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है, इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमारे गाय, बैल और भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन या होली के दिन मौली बांधी जाती है। किसी शुभ कार्य की शुरुआत जब भी होती है तो उस समय या नई वस्तु, चाहे वह गाड़ी हो या छोटे बच्चे की साइकिल हो या बहुत बड़ी मशीनरी खरीदने पर भी हम उस पर मौली बांधते हैं, उसकी पूजा करते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे, हमारे जीवन में एक प्रकार से ये बोलते हैं पॉजिटिविटी लेकर के आए, समृद्धि लेकर के आए। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए भी मौली बांधी जाती है।
हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार, मांगलिक कार्य, इन सभी के पूर्व जो भी पंडित लोग होते हैं, जो भी पुरोहित होते हैं, यजमान के दाएं हाथ में मौली बांध करके संकल्प दिलवाते हैं। अतः जो भी आप पूजा कर्म कर रहे हैं उसके लिए, आपकी रक्षा के लिए सबसे पहले मौली बांधी जाती है और संकल्प लिया जाता है। तो ये थी विशेष जानकारी मौली के संबंध में या कलावा के संबंध में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही आप कोई जानकारी चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं, ताकि हम आपकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए जो समाधान है या आपकी जिज्ञासा पूर्ति के कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो लेकर के आपको एपिसोड के माध्यम से बतलाएं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।